गए भाई राजकुमार, इन्हें दे दो जी, अब लास्ट में आए कथा सुनबे, अब ये प्रवचन भी बताएंगे। बोलिए। गुरु जी चरणों में प्रणाम। जय हो। जय सीताराम। जय सीताराम। जय बागेश्वर बालाजी सरकार। जय बागेश्वर। गुरु जी मेरा ये कहना है कि कोई पाठ करते करते अपने वो कंटस्थ होता है तो वो चलते फिरते करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये अच्छी आदत है, हम तो कहीं सोत भी अगर कर सको तो कर लेना चाहिए। और दूसरा प्रश्न ये था, कल गुरु जी आपने बोला था कि चोला जो है अपने को 4 बजे के पहले सुबह चढ़ाना चाहिए या फिर 9 बजे के बाद सुबह, तो उसका क्या कारण है? वाह, ताली बजाओ। ये कोई शास्त्रोक्त कारण नहीं है, हमारा निज मत है, शास्त्रोक्त कारण नहीं है। हमें लगता है 4 बजे तक श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी राघवजू की सेवा में रहते हैं, सुबह तक 4 बजे से कुछ देर के लिए सरकार आ जाते हैं वापस, तो शयन आदि अपनी क्रिया में लग जाते हैं, इसलिए फिर वो 9 बजे के बाद 9 बजे तक फिर दिन चढ़ते ही फिर पहुंच जाते हैं सरकार की सेवा में। हमारा मत है, मतलब निज मत है, किसी पर थोप नहीं सकते, फिर सरकार की सेवा में चले जाते हैं, इसलिए हमें लगता है कि 4 के पहले अथवा फिर 9 के बाद चोला चढ़ाना चाहिए। इसके लिए एक सिद्ध संत हमारे पूज्य दादा गुरु जी ने हमें ये बात बताई थी, उनके मुख की वाणी है ये। धन्यवाद गुरु। स्वागत।